नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। यूपी के कानपुर में 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। घर से 200 मीटर की दूरी पर अमरूद के बगीचे में बच्ची की आधी जली लाश पाई गई। ये पूरा मामला कानपुर देहात के मंगलपुर के जैतापुर गाँव का है, जहाँ गाँव में रहने वाले एक किसान की 12 साल की बेटी बुधवार की रात घर से बाहर चारपाई पर सो रही थी। बगल में दूसरी तरफ चारपाई पर उसकी दादी सोई हुई थी। परिजनों का कहना है कि सुबह जब सभी उठे तो बच्ची नहीं दिखाई दी। आसपास तलाशी शुरू करने पर घर से 200 मीटर की दूरी पर अमरूद के बगीचे में बच्ची की अधजली लाश पाई गई। बच्ची के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। बगल में एक चारपाई भी मिली है। बताया जाता है कि दरिंदों ने चारपाई पर रेप किया और खुद बचने के लिए बच्ची को जला दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को गांव के खंडवा मार्ग पर एक खाट मिली जो थोड़ी सी जली हुई है। एएसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ स्पष्ट होगा। किसी ज्वलनशील केमिकल या पेट्रोल को डालकर बच्ची को जलाया गया है। क्राइम सीन देखकर वारदात में किसी नजदीकी का हाथ लग रहा है। पहचान छिपाने के लिए बच्ची की हत्या कर दी गई। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होगा। आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने बताया कि परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। हत्याकांड का खुलासा करने के लिए कई टीमों को लगाया गया है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करने के साथ ही आरोपियों को जेल भी भेजा जाएगा।